जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना और कितने समय के लिए लिया है ये भी बताइए। नमस्कार सर। रेलटेक्स का मेरा दो टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए शंकर जी। हाँ, रेलटेक्स का मैंने 200 शेयर ले रखा है 224 में। अभी मेरा लॉन्ग टर्म के लिए इरादा है, कैसा रहेगा इसमें? और एक तो है एसबीआई रेल 100 शेयर्स 200 एसबीआई। हाँ, और एक तो एसबीआई का है, अभी लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? मैं वही पूछना चाहता हूँ। ठीक, के ई आई बोला आपने आखिरी में? एसबीआई, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई आप, ठीक है एसबीआई आप लेना चाह रहे हैं, ठीक हाँ, है। मैं करीब 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, चलिए उसमें भी आपकी मदद कर लेते हैं। गौरांग, आपसे ही सवाल होगा क्योंकि लंबे समय के निवेशक हैं, एक स्टॉक है इनका, इनके पास टेक्समेको रेल, नुकसान हो रहा है फिलहाल इन्हें, लेकिन अभी समय दे सकते हैं, और एसबीआई में भी ये निवेश की शुरुआत करना चाह रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको स्टॉक? 3 लाख इन्होंने बताया, अगर मैंने सही सुना तो 3 लाख रुपए हैं इनके पास निवेश करने के लिए, तो आप सलाह दीजिए किस स्टॉक्स में इन्हें निवेश करना चाहिए। तो पहले दूसरे प्रश्न के ऊपर उत्तर देना चाहूंगा पूजा जी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक और सरकारी बैंक, नतीजों में तीसरी तिमाही में एक या दो पहलू पर एक बहुत छोटी है मायूसी दिखाई दी थी, जो एक मुक्त घाटा इन्होंने किया था उसको लेकर के, लेकिन वो अब भविष्य के तिमाहियों में हो उसका होना संभव नहीं लग रहा है। खरीदारी की राय है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। लक्ष्य के रूप में अगर आप हमें पूछते हैं तो 740-760 के आसपास के लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं, और हमारा ये मानना है कि पूरा वित्तीय क्षेत्र आने वाले समय में ऋण की मांग को लेकर के, लोन बुक ग्रोथ को लेकर के, और खास करके जो नेट और ग्रॉस एनपीए नीचे आए हैं, प्रोविजनिंग नीचे आई है, उसके कारण शुद्ध मुनाफे में बहुत बड़ा सुधार होगा। तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो आपने निर्णय लिया है निवेश करने के लिए, तो शुरू कीजिए, पूरी ताकत लगा करके एक समय पर पूरी पूंजी मत निवेश कीजिए, शुरुआत कीजिए 30-40% पर, जो भी आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है उसके आधार पर। जब कभी भी बाजार में गिरावट आती है या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में आप गिरावट देखते हैं तो आप वहां पर जोड़ सकते हैं। अब आते हैं पहले प्रश्न के ऊपर, टेक्समेको रेल। तो अभी हमने जिस प्रकार से ऊर्जा क्षेत्र के ऊपर टिप्पणी की पूजा, उसी सोच विचार और तर्क के आधार पर हमें लग रहा है कि भारतीय रेल की जो छवि है वो बहुत बड़े रूप में परिवर्तन हो रही है, और ये वो सुधार जो हो रहा है वो बेहतर के लिए सुधार हो रहा है। वित्त मंत्री जी ने इस क्षेत्र को लेकर के बजट में कुछ टिप्पणियां भी की थी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को लेकर के कुछ टिप्पणियां की थी, आधुनिकरण को लेकर के काफी कुछ टिप्पणियां करी थी, और कुछ काम जमीनी स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई, यानी कि भारतीय रेल से जुड़ी हुई जो भी सरकारी कंपनियां हैं या फिर जो भी निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है, मैनेजमेंट अच्छा है, आप वहां पर अपने बुद्धिमता के अनुसार कामकाज कर सकते हैं। विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और झटपट यूट्यूब के कुछ दर्शक हैं उनके एक बार में सवाल